गुड मॉर्निंग फ्रॉम बागियो। और हम आए हुए थे बागियो, जो कि फिलीपींस की सबसे कोल्डेस्ट प्लेस है। और टाइफून के वजह से ये और भी बेहतरीन हो गई है, या फिर हमारी ट्रिप एकदम ही बेकार हो गई है। इस बार अभी के लिए स्ट्रॉबेरी की सीज़न नहीं है, जो कि अभी ये अगस्त चल रहा है, अगस्त एंड, सो जून तक रहती है या फिर दिसंबर में रहती है। तो वहाँ पे सारे फार्म्स है, उस तो हम लोग देखने नहीं गए, क्योंकि सारे फार्म्स में कोई कहीं पे भी स्ट्रॉबेरी नहीं। एक बड़ी स्ट्रॉबेरी है जहाँ पे हमने फ़ोटो खिंचवाया, और आप मौसम देख सकते हो पूरा धुंधला धुंधला हो रखा है, ज़रा भी विजिबिलिटी नहीं है। अभी कुछ थोड़ी बहुत विजिबिलिटी हुई है, पर फिर भी हम लोग कहीं और जा रहे घूमने के लिए। यहाँ पे जगहों से हमने सुवीनियर्स लिए और बस घूम रहे बागियो। बहुत ही ठंडी जगह है और बहुत ही मज़ा आ रहा है अभी के लिए। सो हमारे टूर का सेकंड डेस्टिनेशन है ये चाइनीस मोनेस्ट्री, जो कि आप मेरे पीछे देख रहे हो, और ये इन पहाड़ों के बीच, और बहुत ही बेहतरीन नज़ारा है यहाँ का। आप देख सकते हो बहुत ही पुराना आर्किटेक्चर है। हमें पहले रजिस्टर करवाना होगा, और फिर इस जगह का नाम है बेल चर्च ऑफ बागियो, और ये इनके फाउंडर थे। और अमेजिंगली इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है, और देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। शायद हम वहाँ ऊपर जाए तो जाए, पर यहाँ पे लोग सारे फ़ोटो खींच रहे हैं, और देखते हैं अगर मैं ऊपर जा सकता हूँ तो। और बहुत ही यहाँ का पूरा नज़ारा बहुत ही प्यारा लग रहा है, और वेदर अच्छा हो गया है। सुबह बारिश हो रही थी, कहीं निकलने जैसा नहीं था। स्ट्रॉबेरी फार्म पे हम गए थे, वहाँ पे बाहर ही नहीं निकल पाए हम लोग, तो थोड़े बहुत शॉप्स में गए और कुछ सुवीनियर्स लिए, और उसके बाद हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे आ गए, जो कि अगेन बहुत ही अमेजिंग है, और यहाँ का नज़ारा अच्छा। तो मैं अभी यहाँ से ऊपर जाने का सोच रहा था, तो ये दो रास्ते, यहाँ पे जाऊँ या यहाँ पे जाता हूँ, तो मुझे ये अच्छा लग रहा है, तो शायद मैं यहाँ पे जाऊँगा। तो चलिए चलते हैं। मुझे और भी ऊपर जाना था, पर नो एंट्री है, और ये हमारा लास्ट लेवल है जहाँ तक हम जा सकते हैं। और यहाँ से नज़ारा आप बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। जो माउंटेन यहाँ पे दिख रहा था, सारा बादलों ने कवर कर लिया, और यहाँ पे ये मॉनेस्ट्री आप देख सकते हो, जो कि अगेन बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ ऊपर से तो इसका नज़ारा कुछ अलग ही है यार, बहुत ही अच्छा। और सेम चीज़ इंडिया में, स्पेशली मुंबई के करीब अगर आप कहो, सेम हाइट पे, जो कि है महाबलेश्वर और पचगनी, जहाँ पर मैं दो तीन बार गया हूँ, और वो भी बहुत ही अमेजिंग जगह है। पर इंडिया और फिलीपींस दोनों का कल्चर अलग है, तो डिफरेंट चीज़ें नोटिस करने मिल रही है, और बहुत सारी चीज़ें इंडिया और फिलीपींस की मैच करती है, स्पेशली मुंबई और मनीला और ये बागी और महाबलेश्वर। सो बहुत ही मज़ा आ रहा है। अगर आप भी कभी आना चाहो, विज़िट करो, तो बागियो ज़रूर विज़िट करना, आपको मज़ा आएगा। मुझे ऐसा लगा था आज बारिश हो रही थी, तो ये ट्रिप बहुत ही बेकार जाने वाला था, पर अगेन बारिश नहीं हो रही है, और बहुत ही अच्छा मौसम कट रहा है, क्योंकि टाइफून आया हुआ था यहाँ पे, इसके वजह से बारिश हो रही थी, पर अगेन बारिश नहीं हो रही है, और हम घूम पा रहे आराम से, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो चलिए अभी देखते हैं और कहाँ का हमारा टूर गाइड हमें लेके जाता है। मैं उस तरफ गया था, पर वहाँ से जो व्यू मिल रहा था वो भी अमेजिंग था। और मैं अभी इस तरफ आया हूँ जहाँ पे एक्चुअली ये बेल रखी हुई है, और ये बजा नहीं सकते एक्चुअली, पर ये बेल रखी हुई है। और यहाँ से यहाँ का व्यू आपको मैं दिखाना, आप देखिए बहुत ही अमेजिंग, पूरे मॉनेस्ट्री का यहाँ पे व्यू आपको मिलता है, और बहुत ही खतरनाक ये माउंटेन जो है, और यहाँ से जो क्लाउड्स जा रहे हैं, इसका मैं टाइम लैप्स निकाल के आपको दिखाता हूँ। सो हम आए हुए हमारी नेक्स्ट लोकेशन पे, जो कि है इगरूट किंगडम, जो कि इन्होंने स्टोन से बनाया हुआ है, और ये मैनमेड स्ट्रक्चर है पहली बात तो, और इन्होंने बड़ी ही बेहतरीन तरीके से इसे डिज़ाइन किया है। तो आप इगरूट स्टोन किंगडम, और इस जगह को भाई देखिए, ये कैमरे में इतना खास नहीं दिख रहा है,
पर इन रियल ये बहुत ही अमेजिंग लुक दे रहा आंखों को, और ये कैमरे में इतना खास नहीं आ रहा, मैं देखता हूँ अगर ऊपर जाके आपको एक डेप्थ व्यू दे सकूं, क्योंकि इधर से सारा जो कैमरे में दिख रहा है वो 2D टाइप दिख रहा है और जो आंखों को दिख रहा है वो 3D दिख रहा है, तो आंखों से बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। पर जैसे ही मैं ऊपर जाता हूँ तो शायद एक वो डेप्थ मिलेगा और मैं आपको बता सकूँगा कि जगह कितनी खूबसूरत दिख रही है। और यहाँ पर बता टूरिस्ट आए हुए तो आप देख सकते हो सब फोटो वगैरह खिंचवा रहे, और बहुत ही अमेजिंगली हैपनिंग प्लेस है ये। तो ये जगह मुझे थोड़ी अच्छी लगी, वो माउंटेन वाला जो चाइनीज मॉनेस्ट्री थी वो भी अच्छी थी, सिर्फ वो जो स्ट्रॉबेरी गार्डन था वो अच्छा नहीं लगा क्योंकि स्ट्रॉबेरी की सीजन नहीं है तो उधर कुछ देखने को था नहीं। सो फाइनली मैं टॉप पे पहुंच गया और यहाँ से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ का व्यू। सो ये जो मैं आपको दिखा रहा था जो कि स्टोन से बना हुआ है, ये अभी आपको 3D में दिखाई दे रहा होगा जो कि बहुत ही अमेजिंग है ये पूरा स्ट्रक्चर, और बहुत ही अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये RCC स्ट्रक्चर है, तो ये भी बहुत अच्छी तरीके से बनाया गया है। और ये सबसे टॉप पे मैं खड़ा हूँ और यहाँ से आप व्यू देख सकते हो, आपको पूरा माउंटेनिक व्यू, आपको पूरा ये रोड का व्यू दिख रहा है, और बहुत ही अमेजिंग जगह है ये। ये है हमारा इग्रोट स्टोन किंगडम जो कि हमने विजिट किया है, और अभी इसके बाद और भी कहीं जाने वाले तो देखते और कहाँ जाते हैं, और अभी तक तो बहुत मज़ा आ रहा है। ये भी जगह बहुत ही अमेजिंग निकली है और बहुत मज़ा आ रहा है, तो चलिए देखते आगे और कहाँ जाना होता है। सो हम लोग आए हुए थे शेपर्ड गैलरी, शेपर्ड गैलरी आप देख सकते हो, अभी मैं आपको व्यू दिखा नहीं, पर यहाँ की एक स्टोरी है। यहाँ पे यहाँ की स्पेशल चीज़ है, एक फिलीपीन की स्पेशल चीज़ है जो कि ऊबे है, और सेकंड है स्ट्रॉबेरी जो कि यहाँ की स्पेशल चीज़ है, और ये दोनों के मिक्सचर से बना है ऊबे जैम और स्ट्रॉबेरी जैम जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो वर्कर ने बनाया, और ये यहाँ का स्पेशल चीज़ है बागियों की सबसे स्पेशल ऊबे जैम और स्ट्रॉबेरी जैम। और उसके लिए यहाँ पे लंबी लाइन लगी हुई है उसे लेने के लिए, तो अगर आप आते हो तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने स्पेशली ऊबे ट्राई किया है और स्ट्रॉबेरी जैम तो इंडिया में ही ट्राई किया है, पर ऊबे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा अगर यहाँ पे आ रहे हो। और इस चीज़ को कंप्लीट करते हैं हम यहाँ की एक ब्यूटीफुल व्यू से, तो आप देखने के लिए तैयार हो। व्यू तो देखिए यार, क्या व्यू है, बहुत ही अमेजिंग व्यू दिखाई दे रहा है यहाँ से। और सो ये जो है ऊबे जैम जो कि यहाँ का फेमस चीज़ है, और स्ट्रॉबेरी जैम जो कि हमने इस लंबी सी लाइन में खड़े होके लिया है। और भी अगर आओ तो ये ज़रूर लेना। मैंने यहाँ पे ऊबे केक ट्राई किया है जो कि बहुत ही अमेजिंग है, और भी दूसरी चीज़ें ट्राई की है ऊबे की जो कि बहुत ही अमेजिंग है, और ये इंडिया में नहीं मिलता है। स्ट्रॉबेरी आपको मिल जाएगा, तो स्ट्रॉबेरी जैम आपको कहीं पर भी महाबलेश्वर, पचगनी, मनाली कहीं पर भी आपको मिल जाएगा, पर ये ऊबे जो है यहाँ का स्पेशली फिलीपींस का सबसे फेवरेट फ्रूट है, फ्रूट या वेजिटेबल, मेरे हिसाब से वेजिटेबल है, जो कि उससे ये बनता है। और एक बार आपको ट्राई करना चाहिए, आपको ज़रूर पसंद आएगा, मैं गारंटी के साथ आपको कहता हूँ कि ये चीज़ आप ट्राई करोगे आपको ज़रूर पसंद आएगा।